So all the aspirants for MH Law CET 3 years and 5 years for 2023, guys, I know. वेड लावला आहे राव, खरंच या दोन कॉलेजेसनी खूपच वेड लावला आहे. वन दी GLC मुंबई अँड द सेकंड वन दी ILS पुणे. ट्रुली आर यू ईगर टू गेट इंटर इन टू दी GLC मुंबई अँड ILS पुणे? देन हाऊ मच स्कोर इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ 150? गाइज विल टॉक अबाउट द कट ऑफ्स टू. लेकिन क्या सच में आप जाना चाहते हो? हो खरच वेट लावलंय एंड दैट इज नथिंग बट यस, मैं पागल हुआ हूँ. गाइज सी, इफ प्यार रहेगा देन डेफिनेटली आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि यार GLC का कट ऑफ इस बार थोड़ा लो हो जाए और ILS का कट ऑफ थोड़ा लो हो जाए. लेकिन अगर आप पागल रहोगे टू गेट एंटर इन टू दी GLC एंड ILS, देन डेफिनेटली वो कट ऑफ चाहे 120 भी क्लोज हो, आप स्कोर करोगे 125. एंड डेफिनेटली गाइज आपके पास वो पागलपन होना चाहिए प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि जाना है तो मुझे सिर्फ टॉप कॉलेज में, और टॉप कॉलेज बस वही मेरा सपना है. एवढा प्रेम करतो? मी जे करतो त्याला प्रेम नाही, वेड म्हणतात. और यस गाइज, यही वेड, यही पागलपन, यही फोकस चाहिए आपके प्रिपरेशन में भी. इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर MH Law CET 3 years एंड 5 years 2023, देन गाइज दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं किससे प्यार करते हो तुम, आपके पास एक ही आंसर होना चाहिए, भाऊ फक्त GLC, भाऊ फक्त ILS, भाऊ फक्त प्रवीण गांधी कॉलेज, भाऊ फक्त मला हीच कॉलेज टारगेट करायची. एंड का गाइज देखो, आपका ड्रीम है टू गेट इंटर टू द टॉप कॉलेज. इफ यू आर नियर बाय लोकेशन आपको ट्राई करना है, देन वहां की टॉप कॉलेज डेफिनेटली आप ट्राई करो. क्योंकि गाइज टॉप कॉलेज के टाइप्स होते हैं कंपनीज के साथ, वहां रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैसा होता है, एंड ये मैटर करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा हो रहा है. और प्रिपरेशन को लेकर कुछ भी डाउट्स है, देन गाइज वी आर हियर एंड आई विल आस्क यू, ए भाऊ तुला काय झालंय, काय झालंय, काय झालंय मला सांग. यस गाइज, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन की आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है. इफ यू वांट टू टारगेट द टॉप कॉलेजेस, अगर प्रिपरेशन को लेकर कुछ तकलीफ है, देन गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन इज द की. चाहे आप GLC ट्राई कर रहे हो या फिर ILS ट्राई कर रहे हो, एंड इफ यू आर लैकिंग इन पर्टिकुलर सेक्शन, देन ऑल्सो कैसे उसे बूस्ट करना है आई विल टेल यू. कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो आप? आइदर ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन किए हो, बुक्स में से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो. जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, मोटिवेशन की जरूरत हमेशा होती है. एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि तुमच्याकडे तो वेडेपणा पाहिजे. यस गाइज, वेड लावलंय मला या प्रिपरेशनचा. ऐसे प्रिपरेशन करना MH Law CET 3 years 5 years के लिए भी, कि वो टॉप कॉलेज आपको मिल सके. एंड फ्रेंड्स, इनके लिए सिर्फ आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी का भी कैंडिडेट है फिर भी वो ट्राई कर रहा है. आई फाउंड लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इन 2022, 2021, 2020 की SC कैटेगरी से बिलोंग करके भी 120 प्लस का स्कोर आया है. इवन NTA, NTB से आप देख सकते हो कि काफी सारे कैंडिडेट है 110 टू 115 की रेंज में है. इवन ST कैटेगरी को लेकर भी गाइस देखो, बैटल में हर कोई यहाँ खड़ा है. आप क्या स्कोर कर रहे हो ये मैटर करता है. कॉलेज आप कोई भी ट्राई कर रहे हो, आई नो आपकी कंडीशंस होगी, मुझे मुंबई नहीं जाना, पुणे नहीं जाना, मैं अपनी सिटी की टॉप कॉलेज को ट्राई करूंगा. देखो बैटल में हो आप, ऐसा नहीं है कि हाँ 60 से ये कॉलेज मिल रहा है देन उतना ही मेहनत करें, ये जस्टिफिकेशन नहीं है गाइज, और ये अपने साथ की गई ईमानदारी नहीं है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, ट्राई टू गिव योर 100%. और 100% कब दोगे? जब वो पागलपन आपके मन में होगा, जब वो भूख होगी उस स्कोर की. सो ये स्कोर अचीव करने के लिए हम हेल्प करेंगे गाइज आपकी. यू कैन ज्वाइन क्लासरूम सेशंस टू एंड यू कैन इंटरेक्ट लाइव ऑल्सो. एंड स्कोर क्या लाने हैं आपको? के पास क्या होना चाहिए? दी वेड, दी पागलपन, इन सारे स्कोर्स के लिए. ओपन कैटेगरी 111 का स्कोर रह चुका है. लॉ 3 years को लेकर गाइज, दिस इज पास डेटा 2022 को लेकर 2023. पेपर अगर इजी हो जाता है 10 to 15 marks यहां ऐड कर लो, पेपर डिफिकल्ट होता है सेम. ओके, सो ये कट ऑफ आपको टारगेट करना है. EWS 106, देखो गाइज कोई यहां कम नहीं है. OBC 103, कितना फर्क है यहाँ NTA से लेकर NTD तक इस रेंज में स्कोर रह चुका है. SC को लेकर देख लो 105, OBC देख लो या 103. ओके, ST को लेकर 79, और ये द लास्ट कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड. ओके, और इसके ऊपर काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्कोर अचीव किया गाइज. OMS कैटेगरी के कैंडिडेट सारे फॉल करेंगे अंडर ओपन कैटेगरी. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी यू हैव इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट, आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करोगे और आपके लिए भी सीट्स है, डोंट वरी एट ऑल. कॉम्पिटिशन दोनों तरफ है गाइज. 123 आपको टारगेट करना है इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉ 3 years, 113 फॉर लॉ 5 years. सेम विथ रिस्पेक्ट टू दी ILS पुणे, देन गाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कॉलेजेस में.
सो नाउ एक ही बात माइंड में रखनी है, 120 प्लस आउट ऑफ 150 इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी. सो काय लागले, वेट लागले. यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, जैसे कि मैंने कहा ही आपको ए भाऊ तुला काय झाले मला सांग, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो मेंशन विच टाइप ऑफ वीडियोज यू वॉन्ट. ओके गाइज, वन ऑफ प्रिपरेशन, देन यू कैन जॉइन अवर बैचेस. वी हैव स्टार्टेड क्लासरूम कोचिंग एट बोरीवली, वसई एंड दादर सेंटर. एंड फॉर लाइव इंटरेक्शन यू कैन कॉल ऑन 8285815455. हियर यू विल गेट ऑल दिस फीचर्स, द मेंटरशिप, कंप्लीट मोटिवेशन, थरली कॉग्निटिव इफेक्ट्स एंड कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द कैपराउंड प्रोग्राम. एंड यस गाइज, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर ऑल दिस एग्जाम्स, क्लैट, स्लैट, बीएचयूलॉ, ड्यू एलएलबी, एलसैट, एनएमआईएम स्लैट एंड एटसेट्रा. सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. एंड फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन, फॉलो अवर सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.